एरर्स अफेक्टिंग ट्रैवल। तो पहले इसके नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से एरर्स होते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे इनकी करेक्शन कैसे ना की जाए। तो लिखें सिंगल एंट्री एरर। तो है सिंगल एंट्री एरर, ठीक है। देखिए वैसे तो हम हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री बनाते हैं ना, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अच्छा अगर आपने सिंगल एंट्री बनाई, देखिए एक साइड रिकॉर्ड की एक साइड रिकॉर्ड करना भूल गए, डेबिट रिकॉर्ड किया क्रेडिट भूल गए, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की डेबिट साइड रिकॉर्ड करना भूल गए, ये क्या रहेगा सिंगल एंट्री एरर। अच्छा इसका इफेक्ट आएगा ट्रायल बैलेंस पे, एक साइड आपने रिकॉर्ड की एक साइड रिकॉर्ड करना भूल गए, ट्रायल बैलेंस की एक साइड का टोटल ज्यादा होगा एक साइड का टोटल कम आएगा। अरे समझा देता हूँ बाद में स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कास्टिंग एरर, कास्टिंग एरर समझ ले पहले। तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी ओवरकास्ट अंडरकास्ट, ठीक है, तो उसे कास्टिंग एरर कहते हैं। कास्टिंग मीन्स होता है एडिशन, और ओवरकास्ट मीन्स टोटल आपने ज्यादा किया, अंडरकास्ट टोटल कम किया। कास्टिंग एरर क्या है कि आपने टोटल कम या ठीक है क्या कास्टिंग एरर हो गया कि क्या इनकरेक्ट एडिशन इन एनी अकाउंट। जब टी अकाउंट बना रहे हैं, टी अकाउंट का टोटल आपने अगर गलत किया तो बैलेंस रॉन्ग आएगा। अच्छा तो वो रॉन्ग बैलेंस ट्रायल बैलेंस पे लिखेंगे तो ट्रायल बैलेंस इक्वल, ये कास्टिंग एरर। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन की मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्ट निकालना एक्सट्रैक्ट करना। तो देखिए जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बैलेंस हम कहाँ से लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बैलेंस कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, टी अकाउंट। तो अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाते हुए टी अकाउंट से गलत बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया, ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा नहीं आएगा, ठीक, ये क्या आएगा एक्सट्रैक्शन। अकाउंट में बैलेंस था 175, ट्रायल बैलेंस में आपने बैलेंस कॉपी किया 157, ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा, एक्सट्रैक्शन ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। अच्छा इसका एरर का बॉक्स में कोई नाम नहीं है, सिर्फ एरर मेंशन, एरर मेंशन है, नाम दिया, मैंने डाल दिया क्वेश्चन मार्क, अभी तक इसका नाम इजाद नहीं। हाँ आप इजाद कर दीजिए, शायद अब लिखे इसको नामालूम अफराद पार्ट वन। अच्छा इसमें क्या है, बोथ एंट्रीज हैव बीन मेड ऑन द सेम साइड, यानी कि दोनों एंट्रीज आपने डेबिट पे रिकॉर्ड की डेबिट डेबिट, या दोनों एंट्रीज क्रेडिट पे रिकॉर्ड की क्रेडिट। अगर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे दोनों एंट्रीज तो डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी क्रेडिट साइड कम,
अगर क्रेडिट पर रिकॉर्ड करेंगे दोनों एंट्रीज तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, डेबिट साइड कम हो जाएगी, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। इसके बाद नामालूम अफराद पार्ट टू। अच्छा, ये भी एक एरर है बुक्स में, एरर मेंशन किया हुआ नाम नहीं है इसका। इसमें क्या है, एंट्रिंग डिफरेंट अमाउंट ऑन डेबिट साइड फ्रॉम द अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड। जैसे कि डेबिट आपने रिकॉर्ड किया 10,000 से और क्रेडिट रिकॉर्ड किया 1,000 से, चाहे बैलेंस इक्वल नहीं होगा। डेबिट आपने रिकॉर्ड किया 75 से, क्रेडिट रिकॉर्ड किया 57, चाहे बैलेंस इक्वल नहीं। यू एंट्रिंग डिफरेंट अमाउंट ऑन डेबिट साइड फ्रॉम क्रेडिट साइड। ये टोटल 5 एरर्स हैं, अब ये कॉपी कर लें। इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, पहले एग्जाम्पल तो आप क्वेश्चन। अच्छा, एरर्स हो गए, अब इनके नाम, अब वन बाय वन एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन। सिंगल एंट्री एरर एग्जाम्पल, ये हमने ऑरिजिनल एंट्री बनाई कैश डेबिट सेल्स, कैश सेल्स की। रॉन्ग एंट्री क्या बनाई, कैश डेबिट किया, सेल्स क्रेडिट करना भूल गए, सिंगल एंट्री हो गई। अच्छा, अब इसका ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट आएगा, क्या अफेक्ट होगा, कौन कम हो गए, कौन सी कम, कौन सी ज्यादा। हाँ, तो इससे अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल होगा। अच्छा, करेक्शन क्या होगी, अब इसकी करेक्शन क्या होगी, सेल्स को क्रेडिट कर दें, ठीक सेल्स को क्रेडिट करना भूल गए, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ सेल्स को क्रेडिट कर दो, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये रॉन्ग एंट्री बनाई, कैश डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं, तो उससे क्या होगा, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सैलर का ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, डेबिट साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम। अब सपोज कर लेंगे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 50,000, क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा, 48,000। अच्छा, तो जब भी ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल नहीं आते तो हम क्या करते हैं, तो पहले स्टेप क्या होगा, जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड पे लिखेंगे। सपोज कर ले डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 50,000, डेबिट पे लिखेंगे 50,000, क्रेडिट साइड पर भी 50,000, और इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा, 48,000, 2,000 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस हम लिख लेंगे क्रेडिट साइड पर, जो साइड शॉर्ट है वहां पे लिख लेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस के अमाउंट से जो भी डिफरेंस आएगा वो लिख लिया हमने, और डिफरेंस के अमाउंट से एक नया अकाउंट ओपन करेंगे और से नाम देंगे सस्पेंस अकाउंट। डिफरेंस आएगा डेबिट या क्रेडिट पे, डिफरेंस के अमाउंट से अकाउंट ओपन कर देंगे सस्पेंस के नाम। ये तो एरर हुआ, अब प्रैक्टिकली सोचते हैं, एरर हो गया हमें तो नहीं पता ना, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही, डिफरेंस निकाला, अब हमें पता चल गया कि कोई एरर हुआ है। अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, रिकॉर्ड चेक करेंगे, हमें पता चला कि ये हमने एक सिंगल एंट्री बनाई थी जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, अब हम करेंगे इसकी करेक्शन। इसके बाद करेक्शन होती है, तो करेक्शन के बाद फिर दोबारा ट्रायल बैलेंस बनता है, तो उसके दोनों साइड इक्वल हो जाती है। अच्छा, करेक्शन क्या होगी, अब ये कहते थे तो आपने बता दी कि सेल्स को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना, सेल्स को क्रेडिट करना भूल गया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या करेंगे, अब ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट। करेक्शन क्या होगी, सेल्स क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और इसके साथ ये सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, क्लोज।
एरर की वजह से ये सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ क्रेडिट साइड पर, कलेक्शन के टाइम पे हमने सस्पेंस को डेबिट किया, तो क्रेडिट और डेबिट कैंसिल, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया। अब कलेक्शन के बाद जब हम दोबारा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी या नहीं? अच्छा, ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये टेम्पररी अकाउंट होता है, एरर की वजह से ओपन होगा, करेक्शन के बाद क्लोज हो जाएगा, और इसका इसकी कोई नेचर नहीं है, मतलब एसेट एक्सपेंस लाइबिलिटी रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, टेम्पररी अकाउंट है, एरर की वजह से ओपन होगा, करेक्शन के बाद क्लोज हो जाता है, इसको फिर हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते। एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ क्रेडिट पे, करेक्शन के टाइम पे डेबिट हो गया, सस्पेंस अकाउंट क्लोज। जब हम इस एरर करेक्शन के बाद दोबारा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इसके दोनों साइड इक्वल आएंगे, क्लियर? अच्छी, तो पहला हो गया हमारा सिंगल एंट्री एरर। सेकेंड एग्जाम्पल, टॉपिक साथ कर लीजिएगा, कास्टिंग एरर। कास्टिंग एरर क्या था? इनकरेक्ट एडिशन इन एनी अकाउंट। अच्छा, इनकरेक्ट एडिशन क्या हो सकता है? या तो ओवरकास्ट या अंडरकास्ट होगा। डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट ओवरकास्ट बाय 3,000, क्योंकि डेबिट साइड ओवरकास्ट है, राइट। अब इसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? अब इस एरर का ट्रायल बैलेंस पर क्या इफेक्ट आएगा? डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी, क्रेडिट साइड कम, और डिफरेंस कितना आएगा? 3,000 का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, सपोज कर लें डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 50,000, क्रेडिट पर भी 50,000 लिखेंगे, अब क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 3,000 का। 3,000 से हम अकाउंट ओपन हो गया, करेक्शन क्या होगी? उसको तो छोड़ दें, लेकिन बैंक हमारे क्या है, डेबिट साइड ओवरकास्ट, उसको कम करने के लिए बैंक को क्रेडिट करेंगे, डेबिट साइड ओवरकास्ट है तो कम करने के लिए क्रेडिट होगा, तो करेक्शन क्या होगी? बैंक क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये इसकी करेक्शन हो जाएगी, बैंक क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो उसके दोनों साइड इक्वल है, क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्शन एरर। एक्सट्रैक्शन एरर क्या था? ट्रायल बैलेंस बनाते हुए अपने टीए अकाउंट से गलत बैलेंस, रॉन्ग बैलेंस एक्सट्रैक्ट कर। अब एक टीए अकाउंट बनाते हैं, हमने टीए अकाउंट बनाया बैंक का, हम अब बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस, देखिए बैंक बैलेंस कितना है? 2,240। ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हुए बैलेंस हमने एक्सट्रैक्ट किया 2,420, बैलेंस था बैंक का 2,240, ट्रायल बैलेंस में हमने कॉपी किया 2,420, गलत बैलेंस एक्सट्रैक्ट कर दिया। तब इसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी, क्रेडिट साइड कम, और डिफरेंस कितना आएगा? 180। अब सपोज डेबिट साइड का टोटल 50,000 है तो क्रेडिट पे 50 लिखेंगे, और क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 180 का, और 180 से ये सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब करेक्शन क्या होगी? देखिए डेबिट हमने ज्यादा से रिकॉर्ड किया है तो उसको करेंगे क्रेडिट, बैंक हो जाएगा क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट, करेक्शन हो जाएगी बैंक क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट, क्लियर? क्लियर, यहां तक क्या प्रॉब्लम? अच्छा, अब नेक्स्ट है, क्वेश्चन मार्क वन क्या था, कौन सा एरर था?
सेम साइड, बोथ एंट्रीज ऑन सेम साइड। अच्छा ये हमारी ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल अच्छा ये हो गया ओरिजिनल एंट्री, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री हमने बनाई, कैश डेबिट बैंक डेबिट, दोनों एंट्री सेम साइड पर आ गई डेबिट साइड। अच्छा इसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट हुआ? अच्छा ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी, क्रेडिट साइड कम, और डिफरेंस कितना आएगा? कितना? 2000, 4000, 2 या 4? 4000 का डिफरेंस आएगा। एक तो डेबिट करना था, अच्छा अगर एक को डेबिट करते क्रेडिट ना करते सिंगल एंट्री, फिर क्या इफेक्ट आता? 2000 का डिफरेंस आता, और आप बैंक को भी डेबिट कर दिया, फोर हो गया ना। अगर हम सिंगल एंट्री बनाते बैंक को डेबिट करते, तो कैश को डेबिट करते क्रेडिट को, तो क्या इफेक्ट आता? 2000 का डिफरेंस आ जाता। अब हमने बैंक को भी डेबिट कर दिया, तो डिफरेंस कितना आएगा? 4000। कैश डेबिट तो डेबिट टोटल कितने से हो रहा है? 4 से। क्रेडिट कितने से किया हमने? 0। डिफरेंस कितना बना? 4000। 4000 से डेबिट साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम, डिफरेंस आएगा 4000 का क्रेडिट साइड पर, और डिफरेंस के अमाउंट से अकाउंट ओपन हो जाएगा सस्पेंड। अब करेक्शन क्या होगी इसकी? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट बैंक भी क्रेडिट अलग अलग, बैंक क्रेडिट कितने से? अमाउंट 2000, 4000 अलग अलग, क्या क्या बनेगी जी? बैंक क्रेडिट होगा 2000 और कौन? दोनों किसने का? दोनों को दो, अपने का। हाँ क्या एंट्री बताई थी आपने? सस्पेंस डेबिट क्या कहा था? सही कहा था मैंने। हाँ कितने से? फोर थाउजेंड से एंट्री बनेगी। देखें बैंक को क्रेडिट करना था, हमने बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट करना था डेबिट किया, साइड चेंज हो गई, साइड चेंज होती है तो इफेक्ट डबल हो जाता है, ये तो पता है आपको। तो बैंक को क्रेडिट करना था, हमने डेबिट रिकॉर्ड किया, तो अब बैंक को क्रेडिट करना होगा 4000, डबल से क्रेडिट होगा ना, तो बैंक क्रेडिट होगा 4000, डेबिट हो जाएगा 4000। कैश तो सही रिकॉर्ड हुआ है ना, लेकिन कैश को डेबिट करना था डेबिट ही किया, तो कैश में तो कोई करेक्शन नहीं होगी। एरर कहाँ पे आया? बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिट करना था, हमने फिर डेबिट कर दिया, साइड चेंज हो गई तो इफेक्ट डबल हो जाता है, इसलिए बैंक जो है वो डबल यानी कि 4000 से क्रेडिट होगा और सस्पेंस डबल। क्लियर? सही है। ठीक है कैश को तो छोड़ दें, कैश को डेबिट करना था डेबिट ही किया ना, बैंक को तो छोड़ दें, क्रेडिट करना था, करना क्या था, क्या किया? डेबिट, साइड चेंज हो गई, डेबिट पे एक्स्ट्रा 2000 हो गया नामालूम अफराद पार्ट वन, और अब इसका पार्ट टू। अच्छा ये क्या था? एरर, एरर बट दोनों में अलग अलग,
ओरिजिनल एंट्री, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये तो रॉन्ग बनाई। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट 59, बैंक क्रेडिट 95, 59 डेबिट 95 क्रेडिट, डिफरेंट अमाउंट्स आ गए। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, ट्रायल बैलेंस पर क्या इफेक्ट होगा, डेबिट साइड कम होगी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। अब सपोज क्रेडिट साइड का टोटल है 50,000, सपोज कर रहे तो डेबिट में भी 50 लिखेंगे, डेबिट साइड माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 36 का डेबिट साइड। अब ये डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा 36। करेक्शन क्या होगी, करेक्शन रिपेयर एक्सपेंस 36 रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड कर, डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और बोले बाकी सस्पेंस डेबिट होगा और डेबिट होगा बैंक नहीं होगा, क्या बोले बैंक डेबिट होगा, बैंक आपने बैंक बोला है ना, डेबिट क्यों होगा तो ऑलरेडी डेबिट है। अच्छा इसको जोड़े एरर क्या है, रिपेयर एक्सपेंस 95 से डेबिट करना था, 59 से डेबिट किया ना, इसको मजीद डेबिट करेंगे तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 36 से, 36 आ रहा है। सस्पेंस को एक दफा इग्नोर कर दें, सस्पेंस को एक बार इग्नोर करें, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट करना था 95 से, डेबिट हमने किया 59 से, ज्यादा अमाउंट से डेबिट करना था, कम से डेबिट किया तो मजीद डेबिट होगा, रिपेयर एक्सपेंस तो हो जाएगा डेबिट 36 से, क्रेडिट में क्या आ जाएगा सस्पेंस। लेकिन यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन हो रहा है डेबिट पर तो ये क्लोज होगा क्रेडिट, करेक्शन क्या होगी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। ठीक है, इसमें एरर द फैक्टिंग में एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपने सस्पेंस अकाउंट को कंसिडर नहीं करना, इसको इग्नोर करके चलो। अब ये देखने के एरर क्या हुआ, इसके करेक्शन क्या होगी, अपोजिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट आते, अगर आप सस्पेंस को सोचने बैठ गए तो वो करेक्शन आपके गलत। अपने एरर देखने, एरर क्या हुआ उसकी करेक्शन करें, सस्पेंस अकाउंट अपोजिट साइड पे, करेक्शन आपकी सही। हाँ क्लियर। अच्छा अब इसमें इतफाक था कि पहले जो चार एग्जाम्पल थी, फोर एग्जाम्पल उनमें सस्पेंस अकाउंट ओपन हो रहा था क्रेडिट पर, इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट किसी भी साइट पर ओपन हो सकता है, इसका पहला आप कॉपी कर लें। एग्जांपल वन, अच्छा ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसका कंप्लीट प्रोसीजर होता कैसे, क्या होता है। बाकी इधर एग्जाम में तो इतने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, एमसीक्यू से आते हैं, किसी भी नॉलेज के लिए है इसके कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है। अच्छा इसमें आपको पहले ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसमें देखिए डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 74,520, क्रेडिट साइड का टोटल है 74,070, डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है डिफरेंस आ रहा है तो इट मीन्स कुछ एरर्स हैं। अच्छा डिफरेंस है कितना, 450 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। अच्छा इसके बाद एरर्स आपको बता दिए हैं, कौन कौन से एरर्स हैं, टोटल फोर एरर्स हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। अब रिक्वायरमेंट्स बता क्या, पहले क्या है, ओपन अप सस्पेंस अकाउंट, एंटर द बैलेंस, शो हाउ ईच ऑफ दीज एरर्स शुड बी करेक्टेड, मेक करेक्टिंग एंट्रीज इन सस्पेंस अकाउंट, और लास्ट में प्रिपेयर करेक्टेड ट्रायल बैलेंस।
पहले में काम करते हैं, करेक्शंस कर लेते हैं, फिर सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, ओपन करेंगे, फिर ब्लॉक्स को क्लोज कर देंगे, उसके बाद एंट्री और पहले करेक्शंस कर लेते हैं, फोर एरर से इनकी करेक्शन करते हैं, और से पहले अटेंडेंस। वन बाय वन करेक्शन करते हैं। अच्छा एरर वन की बताएं, ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? अच्छा एंट्रीज हम तीनों बनाएंगे, ओरिजिनल, रॉन्ग और फिर करेक्शन। अब एरर वन की करेक्शन की ओरिजिनल एंट्री बताएं क्या बनेगी? बिजनेस हेड परचेज 2400 ऑफ न्यू इक्विपमेंट पेइंग बाय चेक, ओरिजिनल एंट्री होगी इक्विपमेंट, डेबिट और बैंक क्रेडिट। अमाउंट कितना है? 2400 हो गई ओरिजिनल एंट्री। अब इसने रॉन्ग एंट्री क्या बनाई? पेमेंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक, के बैंक हो गया क्रेडिट, बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू एनी अदर लेजर अकाउंट। ये तो सिंगल एंट्री हो गई ना, जिसने बैंक को किया क्रेडिट और डेबिट रिकॉर्ड नहीं किया ना, यू गेट अ सिंगल एंट्री एरर, बैंक क्रेडिट हुआ डेबिट रिकॉर्ड नहीं किया। करेक्शन क्या होगी? करेक्शन सस्पेंस को छोड़ दें, करेक्शन एरर क्या है इसके अंदर? एरर क्या है? इक्विपमेंट्स को डेबिट करना भूल गए आप, तो इक्विपमेंट्स को डेबिट कर देते हैं। डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाए, ठीक है? इक्विपमेंट्स को डेबिट करना भूल गया तो इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट किया और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाए, क्लियर? एरर बी, परचेजेस ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेज है, ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? Purchases debit, accounts payable credit, amount है इसका 800। इसने wrong entry क्या बनाई? Have been debited to payable ledger control account, control account में debit कर दिया, wrong entry क्या बनी? Purchases debit, accounts payable भी debit। क्रेडिट में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, एरर क्या हुआ कि अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया। अब करेक्शन क्या होगी? अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 1600, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1600, ठीक है? बिल्कुल, तो अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करना था, हमने डेबिट किया, तब डबल से अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा 1600 और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1600, ये सी करेक्शन हो जाएगी, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट सी, एरर सी, सेल्स रिटर्न ऑफ 760। सेल्स रिटर्न की ओरिजिनल एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अमाउंट कितना है? 760। ये तो हो गई ओरिजिनल एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या बनी? हैव बीन डेबिटेड टू रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, रॉन्ग हो गई सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट हो गया, क्रेडिट। अच्छा एरर क्या हुआ कि अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर। अब करेक्शन क्या होगी? अकाउंट रिसीवेबल डबल से क्रेडिट हो जाएगा 1520 और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट
डेबिट हो गया डबल्स। एरर डी, कैश सेल्स है, पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक बैंक अकाउंट। ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? बैंक आएगा, आगे बैंक लिखा हुआ इसमें, बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट, यहाँ लिखा था ना कैश सेल्स और 1250 और पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक बैंक अकाउंट या बैंक कॉलम की। 1250 डेबिट, 1250 क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री, पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक बैंक अकाउंट टू द सेल्स अकाउंट एस 1520, यानी कि सेल्स अकाउंट में एंट्री रॉन्ग अमाउंट से किया, तो रॉन्ग एंट्री हो गई। बैंक डेबिट होगा 1250 से और सेल्स क्रेडिट 1520 से। एरर क्या हो गया? सेल्स को क्रेडिट करना था 1250 से और क्रेडिट हमने किया 1520 से। कम अमाउंट से क्रेडिट करना था, ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, तो डिफरेंस के अमाउंट से सेल्स डेबिट होंगी। डिफरेंस कितना आ रहा है? 70 से सेल्स डेबिट और सस्पेंस अकाउंट 76। सेल्स को हमने ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट किया, तो उसे कम करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट होगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये पहली रिक्वायरमेंट हो गई एरर्स की, हमने करेक्शन कर ली। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट, अब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और ये करेक्शन जो है वो पोस्ट करेंगे, तो उसके बाद सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अच्छा, पहले इसका जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस ये, अब इनके दोनों साइड का डिफरेंस निकालना है। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का डिफरेंस निकाल रहे हैं 450। अच्छा, इसमें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का टोटल, तो डिफरेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस लिख लेते हैं कितना, 4 20 8 50, 450 क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब जो हमने करेक्शंस किए हैं तो यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। लेकिन एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है, करेक्शंस के बाद सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो पहले हमने करेक्शन क्या की है? इक्विपमेंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 2400 से। एरर बी में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 1600, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1600। एरर सी में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 1520 से, डेबिट करते हैं 1520। और एरर डी में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 270, तो क्रेडिट कर देते हैं। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं, तो डेबिट का टोटल आ रहा है 310 और क्रेडिट साइड का टोटल भी 3120 आ रहा है। देखिए, एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ था क्रेडिट साइड पर 450 से और करेक्शन के बाद सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो। ठीक है, अच्छा, सस्पेंस अकाउंट क्लोज होने का मतलब करेक्शन हमने सही किए, जो करेक्शन हमने किए वो बिल्कुल सही किए, तभी आपका सस्पेंस अकाउंट जीरो हो गया, क्लोज हो गया। और सेकंड, इससे ये भी पता चलता है कि जो यही 4 एरर्स थे जिनकी वजह से डिफरेंस आया था, इन चारों की करेक्शन करने पे सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो। अच्छा, अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज ना होता तो उसका क्या मतलब होता? या तो करेक्शन हमने गलत किए हैं या फिर अभी भी कुछ एरर्स बाकी हैं जो आइडेंटिफाई नहीं। और इक्वल आने का मतलब है कि चार ही एरर्स, 4 ही एरर्स थे और 4 की करेक्शन हमने सही कर ली, इसलिए सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया। अच्छा, अब हम बनाएंगे करेक्शन के बाद हम बनाएंगे करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। इसकी रिक्वायरमेंट 4 है, प्रिपेयर आ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। तो इसमें देखें, ट्रायल बैलेंस में पहले क्या दिया हुआ, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का बैलेंस कितना है 20,700 इनर, यहाँ लिखे दो, इसमें कैलकुलेशन है 20,700। जब करेक्शन में देखें, इक्विपमेंट कहीं पे आ रहे हैं करेक्शन में, हाँ, एरर की करेक्शन में हमने
इनकम अकाउंट को डेबिट किया है 2400 से, और डेबिट का मतलब इंक्रीज, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका जो ओरिजिनल बैलेंस है इसमें 2400 ऐड हो जाएंगे, यहीं पे हम इसको ऐड कर देते हैं। दोनों का सम करें क्या बन रहा है, 25100, ये इसका करेक्ट बैलेंस आ गया। नेक्स्ट बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का बैलेंस है 540, 540 लिख लेते हैं। देखिए ये तो मैं कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, ऐसे ही होता है कि प्रैक्टिकली हर अकाउंट, हर आइटम का अकाउंट बनेगा, उसी में करेक्शन होती है और फिर उसका बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा यहाँ देखिए बैंक करेक्शन में कहीं पे आ रहा है, एरर ए में बैंक नहीं है, एरर बी में नहीं है, एरर सी में नहीं है, एरर डी में भी नहीं है, बैंक में कोई करेक्शन नहीं है। ये बैंक बैलेंस हम एज इट इज यहाँ लिख लेंगे 540। नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल, तो रिसीवेबल का बैलेंस यहाँ गिवन है 8820। करेक्शन में देखते हैं रिसीवेबल कहीं पे आ रहे हैं, एरर वन में नहीं है, बी में नहीं है, सी में। एरर सी में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं, और क्रेडिट मीन्स डिक्रीज, डिक्रीज है तो यहाँ से माइनस करेंगे 1520 माइनस करते हैं। अब बताएं बैलेंस क्या आ रहा है, करेक्ट बैलेंस 7300, करेक्ट बैलेंस आ गया। नेक्स्ट अकाउंट है अकाउंट पेबल, पेबल का बैलेंस यहाँ गिवन है 3100। सेक्शन में देखें पेबल्स कहीं पे आ रहे हैं, हाँ ये एरर बी में हमने अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट किया है 1600 से, और क्रेडिट मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, 1600 इसमें ऐड हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 4700, करेक्ट बैलेंस आ गया। अच्छा कैपिटल का बैलेंस है 14700, कैपिटल की तो कोई करेक्शन नहीं थी ना, एज इट इज लिखे थे। सेल्स अकाउंट का बैलेंस है 56,270। एरर डी में हमने सेल्स अकाउंट को डेबिट किया 270 से, हाँ तो डेबिट हो रही, सेल्स डेबिट हो रही है, माइनस डिक्रीज, सेल्स इनकम है, इनकम डेबिट में डिक्रीज होती है, 270 माइनस करते हैं तो यह आ जाएगा 56,000 क्रेडिट, करेक्ट बैलेंस इसका। उसके बाद परचेजेस का बैलेंस है 29,100, परचेजेस की कोई करेक्शन नहीं है, परचेजेस अकाउंट की कोई करेक्शन नहीं है, एज इट इज लिख लेंगे 29,000। एक्सपेंस, एक्सपेंसेस का बैलेंस है 14,500, इसकी कोई करेक्शन नहीं थी, एज इट इज लिख लेते हैं। बस सेल्स रिटर्न का बैलेंस है 760, सेल्स रिटर्न की करेक्शन नहीं, सेल्स रिटर्न की भी कोई करेक्शन नहीं है, तो ये एज इट इज कर लेंगे 760 डेबिट। और इसके साथ ही देखिए ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये कहीं मिस्टेक किया हमने, सेल्स रिटर्न किस में आ रहा है, कैलकुलेशन चेक करें, कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक है, तो 75,400 है, ये चेक करें इक्विपमेंट का बैलेंस क्या चीज 23,100, ठीक है। और इसके साथ ये ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो गया, ठीक है, करेक्ट बैलेंस राइट।